नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर एस आर कांतवा जी ने लिखा है, इस बुक का एग्रोनॉमी वाला जो पार्ट है उसका आज हम छठा लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 110 के बीच का जो ये 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन, इन 20 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूंगा, उनको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको समझा जाए और किस तरीके से इसको लर्न किया जाए। आपके जो स्कोर रहेंगे, मैं 20 क्वेश्चन दूंगा तो आपको जो स्कोर रहेगा वो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आउट ऑफ 20 हाउ यू ऑब्टेंड, हाउ मच यू ऑब्टेंड, कितना आपने ऑब्टेंड किया, कितना आपको मिला। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, देखो क्या पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में, एट्राजीन इफेक्टिवली कंट्रोल ग्रासेस इन मेज विद फील्ड विदाउट कॉजिंग हार्म टू द क्रॉप प्लांट एज डिग्रेडेशन ऑफ द केमिकल इन मेज प्लांट कॉजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। कह रहा है कि एट्राजीन बहुत ही इफेक्टिव ग्रास कंट्रोल करता है, यानी कि बहुत ही अच्छा हर्बिसाइड्स है मेज की क्रॉप के लिए, क्योंकि ये डिग्रेडेशन नहीं करता, यानी कि अपना जो रेजिडुअल इफेक्ट है मेज में नहीं छोड़ता, मेज की क्रॉप में अपना ये जो रेजिडुअल इफेक्ट है ये मेज की क्रॉप में नहीं छोड़ता है। अब समझ लेते हैं कि रेजिडुअल इफेक्ट क्या होता है। पहले देखो, जब हम कोई भी केमिकल किसी भी प्लांट पर अप्लाई करते हैं तो कुछ ना कुछ पार्ट प्लांट का उस हर्बिसाइड या उस केमिकल से अफेक्ट जरूर होता है। हाँ, ये है कि कम होता है, हमको ऐसे दिखता नहीं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अफेक्टेड पार्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ पार्ट अफेक्ट हो जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ उसके जो केमिकल हैं वो उस प्लांट पर पहुंच जाते हैं। जैसे मेज की क्रॉप में अगर हमने हर्बिसाइड डाला तो जो मेज की क्रॉप है, यानी कि जो हमारा मेज है जिसको हम कंज्यूम करेंगे, जिसको हम खाएंगे, उस मेज में वह केमिकल मिलेगा, थोड़ा बहुत पाया जाएगा। तो इसी वजह से एट्राजीन को यूज करते हैं। अब एट्राजीन को जब हम यूज करते हैं तो ये डिग्रेडेशन नहीं करता, यानी कि अपना रेजिडुअल इफेक्ट मेज वाली प्लांट पर नहीं करता है। और ऐसा क्यों होता है एट्राजीन में, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन है ए आरक्यू एंजाइम, ऑप्शन बी एमाइलेज एंजाइम, ऑप्शन सी एरिल एसिल एमाइडेज, क्या एरिल एसिल एमाइडेज एंजाइम, या जी एस एच एंजाइम जिसको हम बोलते हैं ग्लूटाथियोन एंजाइम। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, जी एस एच एंजाइम। एट्राजीन में एक जी एस एच एंजाइम पाया जाता है, उसी की वजह से तो ये जी एस एच एंजाइम जो है ये मेज की क्रॉप में पाया जाता है, यानी कि जो मेज का प्लांट आपने लगाया है उसमें जी एस एच एंजाइम पाया जाता है। तो जो हम एट्राजीन डालते हैं तो इसी एंजाइम की वजह से इस एट्राजीन का जो रेजिडुअल इफेक्ट है वो मेज की क्रॉप में नहीं आता है। तो वो एंजाइम कौन सा है, जी एस एच एंजाइम, ये किस में पाया जाता है, ये मेज वाले प्लांट में पाया जाता है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइको हर्बिसाइड, कौन सा इनमें से माइको हर्बिसाइड है, देख लेते हैं। पहला ए डाइकॉट, बी मेटसल्फोरन मिथाइल, सी कोलिगो, या डी ब्रोमेसिल। इसमें जो आपका माइको हर्बिसाइड वाला ऑप्शन है वो कौन सा है, सी है कोलिगो। कोलिगो जो है वो माइको हर्बिसाइड है। अब देख लेते हैं कि माइको हर्बिसाइड होता क्या है। माइको हर्बिसाइड एक हर्बिसाइड होता है जो फंगस पर बेस्ड होता है, यानी कि ये फंगस होता है। माइको हर्बिसाइड एक प्रकार का ऐसा फंगस होता है जो वीड को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको हर्बिसाइड भी बोलते हैं, और ये क्योंकि ये फंगस से बना है तो इसीलिए इसको माइको हर्बिसाइड बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है, ये एक बायोलॉजिकल एजेंट होता है क्योंकि ये फंगस है, तो ये क्या करेगा, ये टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जो हमारे वीड्स हैं वो वीड के सेल वॉल में डिजॉल्व हो जाएंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। बात समझो कि जैसे माइको हर्बिसाइड जब कोई हम डालते हैं, जैसे मान लो हमारी मेज की क्रॉप है, इसमें हमने एक माइको हर्बिसाइड डाल दिया, ठीक, और उस मेज की क्रॉप में जो भी वीड जमा हुआ है, ठीक, जो भी खरपतवार उसमें जमे हैं, तब जब ये माइको हर्बिसाइड उसके ऊपर पड़ेगा तो ये फंगस उस वीड पर जाके, कोई एक सिलेक्टेड प्लांट होता है, ऐसा नहीं कि सभी पर, जैसे कुछ प्लांट ऐसे होंगे उन प्लांट के अंदर ये चला जाएगा और वहां जाकर ये फंगस डेवलप होगा
और जब ये डेवलप होगा फंगस, तो वहां पर एक टॉक्सिक सब्सटेंस डालेगा जिसकी वजह से वो प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसीलिए इसको माइको हर्बिसाइड बोलते हैं। तो कौन सा था, जो कोलिगो है वो कैसा है? कोलिगो एक माइको हर्बिसाइड है, बाकी सब ये केमिकल वाले हर्बिसाइड है। समझ गए बात? चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रोटेशन इज द बेस्ट फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी? सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए कौन सा क्रॉप रोटेशन सबसे अच्छा माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मेज, तोरिया, व्हीट। ऑप्शन नंबर बी पैडी, व्हीट, काउपी। ऑप्शन नंबर सी पैडी, पोटैटो, ग्रीन ग्राम। ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन, व्हीट और ग्रीन ग्राम। अब बात समझो कि सबसे जो अच्छा सॉइल फर्टिलिटी के लिए जो सबसे अच्छा मेथड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एक साल में हम अगर तीन फसल ले रहे हैं, कितनी फसल? तीन फसल अगर हम ले रहे हैं तो उसमें से दो फसल दलहनी होनी चाहिए और एक फसल कोई और होनी चाहिए, चाहे तिलहनी हो, चाहे वो ग्रेन क्रॉप्स हो, चाहे जैसी क्रॉप हो, लेकिन हमको दो कैसी लेनी है? अगर एक साल में हम तीन क्रॉप ले रहे हैं तो सबसे अच्छा कौन सा होगा? दो ठो उसमें क्या होनी चाहिए? दलहनी होनी चाहिए। तो इसमें कौन से में दलहनी है? पहला देखो, ये तो तोरिया, वीट और मेज, इसमें तो दलहनी कोई है ही नहीं। इसके बाद पैडी, वीट, काउपी, केवल एक ही इसमें दलहनी फसल है, इसलिए ये सही नहीं है। फिर पैडी, पोटैटो, ग्रीन ग्राम, इसमें भी केवल एक है। सोयाबीन, वीट और ग्रीन ग्राम, तो इसमें देखो दो है, एक तो सोयाबीन है, ये भी दलहनी फसल है, और ग्रीन ग्राम ये भी दलहनी फसल है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखो, 94, प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंटरक्रॉप पर यूनिट एरिया ऑफ ग्राउंड कंपेयर्ड विथ दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम सोल क्रॉप सोन इन द सेम प्रोपोर्शन ईस्टर्न एज। देखो बात समझो, ये क्या कह रहा है कि जैसे मान लो कि अगर हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं, तो इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, दो क्रॉप हम ग्रो करते हैं, ठीक, एक मेन क्रॉप होती है, एक इंटरक्रॉप होती है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर हम सोल क्रॉप ग्रो करें तो प्रोडक्टिविटी में क्या अंतर आएगा, उसी को ये पूछ रहा है। तो उसको हम किस टर्म में जानते हैं? जैसे बात समझो कि 2 हेक्टेयर में हमने क्या किया, गेहूं और उसकी एक उसके साथ एक इंटरक्रॉप हमने ग्रो किया, ठीक। जैसे हमने गेहूं ग्रो किया और गेहूं के साथ कोई एक इंटरक्रॉप, जैसे मान लो हमने मटर ग्रो किया, तो गेहूं और मटर इंटरक्रॉप के रूप में हमने ग्रो कर लिया, ठीक। अब देखो कि 2 हेक्टेयर में हमने गेहूं और मटर दोनों की इंटरक्रॉप ग्रो की है, तब हम देखते हैं कि गेहूं का हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ और मटर का कितना प्रोडक्शन हुआ, उसका रेशियो देख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि अगर हम एक एक हेक्टेयर में दोनों गेहूं और मटर अलग अलग करते हैं, सोलो यानी क्रॉपिंग करते हैं, तो किस टाइप का प्रोडक्शन होता है, उसी के कंपेयर करने को किस टर्म में जाना जाता है। पहला लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, ऑप्शन नंबर बी कंपटेटिव रेशियो, ऑप्शन नंबर सी लैंड इक्विवेलेंट कॉफिशियंट, या ऑप्शन नंबर डी क्रॉप परफॉर्मेंस रेशियो। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए है, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। यानी कि उसी लैंड पर अगर हम सोलो क्रॉप, जैसे मान लो हमारी इतनी लैंड है, अगर इसमें हम सोलो क्रॉप ग्रो करते हैं तब हमको कितना कितना प्रोडक्शन मिलता है, अगर हम इंटर क्रॉप करके प्रोड्यूस करते हैं तो हमें किस तरीके से प्रोडक्शन मिलता है, ये जो होता है ये लैंड इक्विवेलेंट रेशियो या कोऑपरेटिव रेशियो, कंपटेटिव रेशियो, ये सब जो है इकोनॉमिक्स के थोड़े टर्म है, थोड़े टेक्निकल टर्म है। तो ये जब मैं इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाऊंगा तब डिटेल में इसको समझा दूंगा। समझ गए? बस इतना मोटा मोटा समझो कि लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब होता है कि मान लो इतनी हमारी फील्ड है, इसी फील्ड में अगर हम सोलो क्रॉप ग्रो करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन कितना होता है, और अगर हम इंटर क्रॉप दोनों की ग्रो करते हैं तो हमारा कितना प्रोडक्शन होता है, उसी के रेशियो को कहते हैं हम क्या, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। अब समझते हैं कंपटेटिव रेशियो क्या होता है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, ए सिंपल कंपटेटिव रेशियो, यानी इसको हम सीआर बोलते हैं, सीआर रेशियो भी बोलते हैं, कंपटेटिव रेशियो इज प्रपोज एज ए मेजर ऑफ इंटर क्रॉप कंपटीशन टू इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम बाई हुच वन कंपोनेंट क्रॉप इज मोर कंपिटेटिव देन अदर्स। बात समझो, जैसे मान लो कि हम इंटरक्रॉपिंग कर रहे होते हैं, अब हमको जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यह समझ लें कि हमको इंटरक्रॉपिंग करनी है, तो हमने गेहूं की क्रॉप इसमें ग्रो कर रखी है, ठीक, गेहूं की क्रॉप हमने व्हीट की क्रॉप इसमें लगा रखी है। अब हम सोच रहे हैं कि इस गेहूं की क्रॉप में इंटरक्रॉप हम कौन सी लगाएं। देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं समझाने के लिए, नहीं तो कुछ लोग ऐसे कहो कि सर जी गेहूं में अगर हम मटर लगाएंगे तो इंटरक्रॉप नहीं है, तो मिक्स क्रॉप है,
वो दूसरी चीज है, लेकिन हम थोड़े समझाने के लिए तुमको बता रहे हैं कि हाँ इस तरीके से समझ लो, उसमें ना जाओ। ठीक, तो ये जो है कॉम्पिटिटिव रेशियो, इसको समझो। जैसे मान लो हमने वीट की क्रॉप लगा रखी, अब इसमें हम सोचते हैं कि इंटर क्रॉप के रूप में इसमें हम मटर लगाएं या हम सरसों लगाएं, कौन सा कंपटीशन कम करेगा? मटर लगाएंगे वो ज्यादा कंपटीशन करेगा कि सरसों लगाएंगे वो ज्यादा कंपटीशन करेगा? तो इसी को हम बोलते हैं कंपटीटिव रेशियो। जैसे मान लो कि अगर हमने मटर लगाया तो मटर कम कंपटीशन करेगा, लेकिन अगर हमने सरसों लगाया थोड़ा ज्यादा कंपटीशन करेगा गेहूं से, तो हम किसको लगाना प्रेफर करेंगे? मटर को लगाएंगे, क्योंकि मटर कंपटीशन कम कर रहा था। तो इसी को बोलते हैं कंपटीटिव रेशियो, कि इंटर क्रॉप के रूप में जिस क्रॉप को हमको चुनना है उनमें जिसमें कंपटीशन कम होगा, जो मेन क्रॉप से कंपटीशन कम करेगी, उसी क्रॉप को हम ग्रो करते हैं। फिर अगला है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, ये इसको देख लेते हैं। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, अभी थोड़ी देर मैंने पहले जब क्वेश्चन पूछा था तो उसमें बता दिया था। देखो इतनी क्रॉप है, इस क्रॉप इतनी हमने हमारी फील्ड है, इस फील्ड में हमने वीट की क्रॉप ग्रो कर रखी है, और इसी में हम इंटर क्रॉप के रूप में सरसों भी उगा रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर इतनी ही फील्ड में हम अगर दोनों अलग अलग ग्रो करते, वीट और सरसों, तो हमारा प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, और एक साथ ही जब बो रहे हैं इंटर क्रॉप के फॉर्म में, तब हमारा प्रोडक्शन कैसा हो रहा है। समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्या बोल रहा है, क्रॉप परफॉर्मेंस रेशियो, इसको देखते हैं कैसे समझते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंटर क्रॉप पर यूनिट एरिया ऑफ ग्राउंड कंपेयर्ड वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम सोलो क्रॉप सोन इन द सेम प्रपोर्सन। अब बात समझो, ये जो क्रॉप परफॉर्मेंस रेशियो होता है, इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लो हम इसमें देखते हैं प्रोडक्टिविटी क्रॉप की कैसी है किसी एक यूनिट ग्राउंड एरिया पर, यानी कि एक यूनिट ग्राउंड एरिया मतलब यानी 1 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर, जो भी हेक्टेयर की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्रॉप की परफॉर्मेंस कैसी है अगर उसको हम सोलो क्रॉप के रूप में उगा रहे हैं। ठीक, समझ गए? इसमें हम यह देखते हैं कि अगर हम इस क्रॉप को इंटर क्रॉप के फॉर्म में उगा रहे हैं तब इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, और अगर इसको हम सोलो क्रॉप के रूप में उगा रहे हैं तो इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। तो हम इसको रेशियो में करके देख लेते हैं, अगर हमको इकोनॉमिक लगेगा, हमको इकोनॉमिक फायदा होगा, तब तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। समझ गए? ये आपको ये दोनों चीजें एक जैसी लग रही होंगी, लेकिन इसको जब थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों अलग अलग है। लैंड इक्विवेलेंट जो रेशियो है वो लैंड के रिस्पेक्टिव में क्रॉप की बात कर रहा है। ठीक, कि इतने लैंड में इस क्रॉप को किस तरीके से ग्रो किया जाए, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। लेकिन इसमें क्रॉप परफॉर्मेंस में क्या होता है कि क्रॉप के बेस्ड पर हम निकाल रहे हैं। समझ गए? इसमें लैंड को सेंटर में रख के निकाला जाता है, इसमें क्रॉप के। ध्यान से पढ़ोगे समझोगे तो समझ में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो फिर हम जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में जब पढ़ाएंगे तो इसको खूब डिटेल में हम बता देंगे। फिर अगला देखो क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर शेड्यूल इज रिकमेंडेड टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्टिविटी इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में हम किस टाइप का फर्टिलाइजर शेड्यूल यूज करते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, फुल रिकमेंडेड डोजेज ऑफ बोथ द मेन क्रॉप एंड इंटरक्रॉप, पूरी पूरी डोज इंटरक्रॉप और मेन क्रॉप की हम डालते हैं। जैसे बात समझो कि 10 किलोग्राम नाइट्रोजन गेहूं को चाहिए और 10 किलोग्राम नाइट्रोजन ही सरसों को चाहिए, तो अगर गेहूं और सरसों को एक साथ हम बोएंगे तो हम क्या 20 किलो डाल देंगे? नहीं, वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ये कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, फुल रिकमेंडेड डोजेज ऑफ मेन क्रॉप एंड हाफ ऑफ इंटर क्रॉप, जो मेन क्रॉप है उसकी पूरी डोज जितना रिकमेंड किया जाता है और इंटर क्रॉप की हाफ डोज जितना रिकमेंड किया जाता है, उन दोनों को डालना है, या हाफ रिकमेंडेड डोज ऑफ मेन क्रॉप एंड इंटर क्रॉप, दोनों की हाफ हाफ डोज। जैसे मान लो 10 10 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में चाहिए होता है नाइट्रोजन सरसों को और गेहूं को, तो क्या 5 5 किलो डालेंगे इस तरीके से? नहीं। अब देख लेते हैं और क्या बोल रहा है, फुल रिकमेंडेड डोज ऑफ मेन क्रॉप ओनली। अब इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी है, केवल जो मेन क्रॉप की रिकमेंडेड डोज होती है वही हम डालते हैं, इंटर क्रॉप की डोज को हम नहीं डालते हैं। समझ गए? नहीं तो हमारा फायदा फिर क्या होगा, और उसके बाद सूख भी जाएगा। जैसे मान लो कि अगर गेहूं है, गेहूं 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन चाहिए, सरसों को भी 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन चाहिए, तो दोनों को अगर हम 20 किलोग्राम डाल देंगे 1 हेक्टेयर में अगर इंटरक्रॉप कर रहे हैं, तो ज़्यादा हमारा नुकसान हो जाएगा,
कहो तो सूख ही जाए, अरे दो गुना पड़ जाएगा तो सूख नहीं जाएगा। इसीलिए जो हमारी मेन क्रॉप है केवल उसी की जो रिकमेंडेड डोज होती है वही डालते हैं, ठीक। इंटर क्रॉप की रिकमेंडेड डोज को हम नहीं डालते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, द कैपेसिटी ऑफ सॉयल टू रेजिस्ट एप्रिसिएबल चेंज इन पीएच वैल्यू इज कॉल्ड। जो पीएच वैल्यू के चेंज के प्रति जो रेजिस्टेंस ही होती है, कैपेसिटी जो होती है सॉइल की, सॉइल की कैपेसिटी जो पीएच वैल्यू को चेंज होने से रोकती है, उसकी ऐसे कैपेसिटी, उसको हम कौन सी कैपेसिटी बोलते हैं, ईसीई या बफर कैपेसिटी या परसेंटेज बेस्ड सिचुएशन या एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी। इसमें जो आपका आंसर है वो है बी, बफरिंग कैपेसिटी। क्या? इसको हम बफरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। अगर किसी क्रॉप की, किसी फील्ड की, किसी सॉइल की बफरिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो उसका पीएच मान जल्दी चेंज नहीं होगा। समझ गए बात? आगे बात अब देखो, समझते हैं सीईसी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ये क्या होती है। चाहे वो क्ले सॉइल हो, चाहे कोई ऑर्गेनिक मैटर हो, चाहे क्या हो, क्ले हो चाहे ऑर्गेनिक मैटर पार्टिकल्स हो सॉइल में, उनमें कैटायन पाया जाता है, ठीक। और क्या होता है कि एक कैटायन दूसरे कैटायन को एक्सचेंज करवाता है। जैसे मान लो कि एक प्लस यहाँ पड़ा है, कैटायन का मतलब होता है प्लस चार्ज आयन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आयन, एक प्लस आयन ये है। तो अगर ये प्लस आयन यहाँ आएगा तो इस वाले प्लस आयन को यहाँ से भगा देगा, तो इसी को बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। समझ गए? अब देखो एग्जाम्पल से थोड़ा समझो। फॉर इंस्टेंट पोटेशियम कैन बी रिप्लेस बाई कैटायन सच एज कैल्शियम एंड हाइड्रोजन। ये पोटेशियम होता है, जब ये पोटेशियम आयन कहीं आएगा तो वो कैल्शियम और हाइड्रोजन आयन को क्या कर देगा, भगा देगा वहां से। पोटेशियम आयन पहुंच जाएगा और कैल्शियम और हाइड्रोजन आयन चला जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ कैटायन ए सॉयल कैन होल्ड, मतलब एक सॉयल जितना कैटायन टोटल होल्ड कर सकती है, और इट टोटल नेगेटिव चार्ज इज द सॉयल्स कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। यानी कि जितना सॉयल के अंदर जितना भी कैटायन होगा, यानी कि जितना ही पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे, उतना ही तो वो निगेटिव आयन को अपने आप में एब्जॉर्ब कर पाएगा। जैसे मान लो कि हमारे पास खूब ढेर सारे प्लस वाले आयन हैं, तो जितने ढेर सारे प्लस वाले आयन रहेंगे उतना ही तो हम निगेटिव चार्ज वाले आयन को ले पाएंगे। हमारे पास चार प्लस वाले आयन है तो हम चार माइनस वाले आयन ले पाएंगे। इसी कैपेसिटी को बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो अगर सॉयल में जितना ही ज्यादा प्लस में होगा, यानी कैटायन ज्यादा होगा, तो सॉयल की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा है, क्योंकि वो कैटायन के थ्रू माइनस आयन को अपने आप में खींच सकता है, अपने आप में अब्जॉर्ब करवा सकता है सॉयल में। और इसी का उल्टा होता है एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी। एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी में क्या होता है कि सॉयल के पास, सॉयल में नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज आयन जितने ज्यादा होंगे उतना ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन को वो क्या करेगी, अपने पास अट्रैक्ट करेगी। समझ गया? तो इसी को बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सॉयल और एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सॉयल। अगर सॉयल के अंदर प्लस चार्ज रहेगा, कौन सा चार्ज, सॉयल के अंदर प्लस चार्ज रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, और सॉयल के अंदर माइनस चार्ज रहेगा तो उसको हम एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी बोलते हैं। सॉयल के अंदर दोनों एक साथ पाया जाता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी और एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी। समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या बोल रहा है। मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉयल मेक अस, जो मैकेनिकल एनालिसिस होती है वो मेक यूज ऑफ, मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉयल मेक यूज ऑफ, जो सॉयल की मैकेनिकल एनालिसिस होती है वो किसको यूज करके बनाई जाती है। तो पहला है डार्सीज लॉ, डार्सी का जो लॉ है उससे, स्टैक्स लॉ, स्टॉक्स लॉ स्टैक का जो लॉ है वो, या स्कॉलफिड का जो लॉ है उस लॉ से, या ऑप्शन नंबर डी ओम का लॉ, ओम के लॉ से। तो ओम का लॉ तो वैसे एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ओम का लॉ तो इलेक्ट्रिसिटी में, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है स्टॉक का लॉ, उसी से हम मैकेनिकल एनालिसिस करते हैं सॉयल की। अब स्टॉक का और डार्सी का जो लॉ होता है उसको थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होता है। देखो डार्सीज लॉ स्टेट्स द प्रिंसिपल हुज गवर्न द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इन ए गिवन सब्सटेंस। डार्सीज लॉ इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड टू फ्लो बाय एनी पोरस मीडिया लाइक ए रॉक। डार्सीज लॉ ये कहता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने एक चट्टान रख दी, ठीक, और यहाँ पर हम पानी डाल रहे हैं,
तो अगर चट्टान में पोर स्पेस ज्यादा होगा या पोर स्पेस ज्यादा होगा या पानी है जितना पतला होगा, यानी कि पानी का पृष्ठ तनाव जितना ही कम होगा उतना ही पानी वहां से यहाँ फ्लो कर जाएगा। समझ गए? जैसे कि बात समझो कि अगर हमने पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है तो अगर हमने पानी में चने को भिगो दिया तो चना फूल जाएगा, लेकिन कभी चाशनी में चने को भिगो कर देखो तो चाशनी में चना नहीं फूलेगा, और फूलेगा भी तो उतना नहीं फूलेगा जितना पानी में। क्यों? क्योंकि चने का पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है। जिसका जितना ज्यादा पृष्ठ तनाव होगा वो डॉर्सी लॉ के अंतर उतना ही कम फ्लो करेगा उधर से इधर, तो पानी ज्यादा फ्लो करेगा, और इधर कहीं हम चाशनी डाल दिए तो चाशनी कम फ्लो करेगा इस रॉक के अंदर। इसी को हम बोलते हैं डॉर्सीज लॉ। हमको ये कभी पूछा नहीं जाएगा डॉर्सीज लॉ, एग्रीकल्चर वालों से थोड़ा सा समझ में आ जाए इसलिए हम पूछ कह रहे थे। अब स्टॉक्स का लॉ क्या कहता है? इज ए मैथमेटिकल इक्वेशन दैट एक्सप्रेसेस द सेटलिंग वेलोसिटीज ऑफ ए स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल इन ए फ्लूड मीडियम। कह रहा है कि जैसे मान लो कि कोई भी एक ऐसा फ्लूड मीडियम है, यानी कि लिक्विड मीडियम है, कोई एक ऐसा लिक्विड है जो क्या कर रहा है, किसी एक डायरेक्शन में बहुत तेजी से गिर रहा है, उसी लॉ को बोलते हैं स्टोक्स लॉ। मतलब कि जो बरसात का पानी होता है, ये बरसात का पानी इतनी तेजी से गिरता है, अगर हम बरसात के पानी जितनी बूंद लोहे का छर्रा ले लें, क्या लोहे का छर्रा ले लें और उस छर्रे को किसी बंदूक में भर के मार दें तो किसी के सर में लगेगा तो घुस जाएगा, ठीक। लेकिन बूंद उतनी बड़ी और उतनी वजन रहती है, वो नीचे आती है तो आदमी के सर में छेद क्यों नहीं कर देती? इसी को हम स्टैक्स लॉ बोलते हैं। तो जो सॉयल का मैकेनिकल एनालिसिस होता है, ठीक, जो मैकेनिकल एनालिसिस सॉयल का करते हैं वो स्टैक्स लॉ के अंतर्गत करते हैं। स्टॉक्स लॉ वही होता है कि बरसता हुआ पानी हमारे सर पे छेद क्यों नहीं करता है। अगर आप लोग केमिस्ट्री के और फिजिक्स के स्टूडेंट रहे होंगे इंटर में तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता होगा, बस इतना जान लो कि बस वही है, ज़्यादा बवाल इसमें नहीं है क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांटिंग ज्योमेट्री इज रिकमेंडेड टू ऑप्टिमाइज सिस्टम प्रोडक्टिविटी इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इन सेमी एरिड एंड सब ह्यूमिड इकोसिस्टम। सेमी एरिड और सब ह्यूमिड इकोसिस्टम में अगर हमें प्रोडक्टिविटी को सही करना है तो हमें किस टाइप का ज्योमेट्रिक रिकमेंडेशन करना है, यानी कि किस टाइप की हमें प्लांटिंग करनी है? देखो ऑप्शन क्या है, नॉर्मल प्लांटिंग ऑफ इंटरक्रॉप बिटवीन टू रोज ऑफ नॉर्मल प्लांटेड मेन क्रॉप्स। इसका मतलब है कि अगर हम सब ह्यूमिड कंडीशन में या सेमी एरिड कंडीशन में इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो इंटरक्रॉपिंग का पैटर्न किस तरीके से होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा था। तो इसमें ऑप्शन जो है नॉर्मल प्लांटिंग ऑफ इंटरक्रॉप, यानी कि इंटरक्रॉप के नॉर्मल प्लांटिंग करो बिटवीन टू रोज ऑफ नॉर्मल प्लांटेड मेन क्रॉप, यानी कि एक ये मेन क्रॉप है और एक ये मेन क्रॉप है और इन्हीं के बीच में एक यहाँ पर एक क्रॉप हमने इंटरक्रॉप लगा दी। तो पहले ऑप्शन का तो ये मतलब था। दूसरा ऑप्शन स्कीप रो प्लांटिंग, स्कीप रो प्लांटिंग अभी हम थोड़ी आगे पढ़ाते हैं, अभी थोड़ी देर में बताते हैं, थोड़ा लेंदी है। अब ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, थ्री रो ऑफ मेन क्रॉप्स एंड टू रोज ऑफ इंटरक्रॉप। इसका कहने का मतलब है कि ये तीन, तो तीन रो हो गई किसकी, मेन क्रॉप की, फिर इधर थ्री रो हो गई मेन क्रॉप की, और उनके बीच में हम क्या करेंगे दो रो लगा दे रहे हैं, दो रो किसकी, इंटरक्रॉप की। ये वाला सिस्टम सही रहेगा, कौन सा सिस्टम सही रहेगा, स्कीप रो प्लांटिंग बता देते हैं। स्कीप रो प्लांटिंग मतलब ये दो रो हमने ग्रो किया, ये दो रो हमने छोड़ दिया, फिर ये दो रो फिर ग्रो किया इसको, यानी कि एक एक रो को स्कीप कर रहे हैं, यहाँ बीच में हम कुछ नहीं ग्रो कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं स्कीप रो क्रॉपिंग प्लांटिंग। फोर रो ऑफ मेन क्रॉप एंड वन रो ऑफ इंटरक्रॉप, मेन क्रॉप की चार रो, ठीक, उसके बाद फिर एक रो इंटरक्रॉप की, ये वाले इंटरक्रॉप की रो है, उसके बाद फिर ये चार रो मेन क्रॉप की, ये वाला सिस्टम। तो इन चारों में से कौन सा सिस्टम सही होगा सेमी एरिड और ह्यूमिड सिस्टम के लिए, सब ह्यूमिड और सेमी एरिड एरिया के लिए? तो ऑप्शन नंबर जो बी है जिसको हम स्कीप रो प्लांटिंग कहते हैं यही सबसे अच्छा होगा। स्कीप रो प्लांटिंग इस तरीके से होता है, देखो ये नॉर्मल सी प्लांटिंग हो गई है, ठीक। अब ये है स्कीप रो प्लांटिंग, इसमें ध्यान से देखो तो दो ठो पहले प्लांटिंग की गई, ये दो रो तो प्लांटिंग की गई, लेकिन ये वाली रो देखो यहाँ ये प्लांटिंग नहीं की गई, फिर यहाँ पर दो रो प्लांटिंग की गई है। इसी को बोलते हैं प्लांट टू स्कीप टू विथ इतने रोज विथ, यानी कि दो रो प्लांटिंग हो रही है फिर टू रो स्कीप कर रही है, फिर दो रो प्लांटिंग फिर दो रो स्कीप कर रही है। अब इसी टाइप से इसमें देखो वन स्कीप वन प्लांटिंग,
एक प्लांटिंग कर रही है, फिर इसकी, फिर प्लांटिंग, फिर इसकी, फिर प्लांटिंग, फिर इसकी। तो इसको वन रो वन इसकी प्लांटिंग, इसको टू रो टू इसकी प्लांटिंग, समझ गए बात। और ये तो कन्वेंशनल होता है, ये कंटिन्यू प्लांटिंग होती है, इसमें इसकी प्लांटिंग नहीं होती, समझ गए इसकी प्लांटिंग क्या होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। ह्यूमिक एसिड इज ए फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमस व्हिच इज, ह्यूमिक एसिड क्या होता है, ह्यूमस से जो बनता है वो क्या है। ऑप्शन ए सोल्यूबल इन अल्कलाइन एंड एसिड, एसिड में एसिड और अल्कलाइन में वो सोल्यूबल होता है ह्यूमिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सोल्यूबल इन अल्कलाइन एंड इनसोल्यूबल इन एसिड, अल्कलाइन में वो सोल्यूबल है या और एसिड में इनसोल्यूबल है, ये वाला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इनसोल्यूबल इन अल्कलाइन, अल्कलाइन में इनसोल्यूबल है और सोल्यूबल इन एसिड यानी कि एसिड में सोल्यूबल है। ऑप्शन नंबर डी इनसोल्यूबल इन बोथ अल्कलाइन एंड एसिड, दोनों में ही इनसोल्यूबल है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि ह्यूमिक एसिड किसमें सॉल्युबल है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट आंसर है, ये सॉल्युबल होता है अल्कलाइन में यानी कि क्षारीय माध्यम में ये घुल जाएगा और जो अम्लीय माध्यम है उसमें नहीं घुलेगा। अब इसको देख लेते हैं कि ह्यूमिक एसिड होता क्या है। देखो लिखने में थोड़ा छोटा हो गया है, काफी बड़ा था। तो इट इज ए डार्क ब्राउन सब्सटेंस, जो ह्यूमिक एसिड होता है, जो ह्यूमस होता है, ये डार्क ब्राउन ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है। फ्रॉम द डिके ऑफ बोथ प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल के सड़ने से जो बनता है, इट हैज ए ग्रुप ऑफ मॉलिकुलस दैट हेल्प द सॉइल टू यील्ड ए गुड क्रॉप विथ न्यूट्रिएंट टू द प्लांट एंड रूट्स। इसमें ह्यूमस में ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो क्रॉप की गुड यील्ड के लिए, अच्छी यील्ड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। द डिफिशियंसी ऑफ ह्यूमिक एसिड हैज ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द क्रॉप, अगर ह्यूमिक एसिड किसी क्रॉप में, किसी फील्ड में, किसी सॉइल में कम होगी तो वो हमें उसके प्रोडक्टिविटी में दिखेगी यानी कि प्रोडक्शन हमारा कम हो जाएगा क्योंकि ह्यूमिक एसिड में बहुत ढेर सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। सो लेट सी द लर्न मोर अबाउट ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक एसिड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। द बेसिक करेक्टर ऑफ ह्यूमिक एसिड आर फॉलो, ह्यूमिक एसिड का जो बेसिक करेक्टर होता है वो क्या क्या होता है। ये वेट में ज्यादा होते हैं, जैसे यूरिया डालोगे तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है लेकिन ह्यूमिक एसिड में इतना नहीं होता है, ह्यूमिक एसिड में नाइट्रोजन कम होता है। तो अगर हमें नाइट्रोजन ह्यूमिक एसिड देना पड़ेगा तो हमको ट्रको ट्रक लाके, एक ट्रक लाके डालना पड़ेगा, ठीक, तब तो नाइट्रोजन पूरा होगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि इसका वेट जो होता है थोड़ा ज्यादा होता है। दे हैव ए मिक्सचर ऑफ मल्टीपल एसिड, ह्यूमिक एसिड में ढेर सारे एसिड का मिक्सचर होता है। द ह्यूमिक एसिड इज डार्क ब्राउन, ये डार्क ब्राउन कलर का होता है भी जैसे मैंने पहले बताया। द ह्यूमिक एसिड स्ट्रक्चर एक लाइक चैन मॉलिक्यूल, ये चैन मॉलिक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ह्यूमिक एसिड का। ह्यूमिक एसिड इज हाईली सॉल्युबल इन अल्कलाइन सोल्यूशन, अभी ये मैंने बताया कि अल्कलाइन जो होता है, अल्कलाइन सोल्यूशन, उसमें ह्यूमिक एसिड जो होता है वो हाईली सॉल्युबल होता है जबकि एसिडिक सोल्यूशन में ये इनसॉल्युबल होता है। इट इज ए नेचुरल रिसोर्सेज फॉर्म बाई द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन, जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो उनके डिकम्पोजिशन के बाद ही बनता है ह्यूमिक एसिड। इसका फॉर्मेशन हमने बता दिया, वही आगे है, पढ़ लेना चाहे तो वीडियो पुश करके आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम बाय अनदर एटम ऑफ सिमिलर साइज इन ए क्रिस्टल लैक्टिक ऑफ ए सॉइल क्ले विदाउट डिसरप्टिंग और चेंजिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द मिनरल इज टर्माइज, कह रहा है कि कोई एक एटम किसी दूसरे सिमिलर साइज के एटम को रिप्लेस जब करता है तो सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज ना हो, सॉइल के क्ले को बिना डिस्टर्ब किए, सॉइल के स्ट्रक्चर को बिना डिस्टर्ब किए, अगर ऐसा हो रहा है कि कोई एक एटम किसी दूसरे एटम को रिप्लेस कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए आयन एक्सचेंज, ऑप्शन बी आइसोमेरिज्म, ऑप्शन सी आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन या ऑप्शन डी पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन, इसी को हम बोलते हैं बिना क्ले की साइज को और बिना ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर को चेंज किए मिनरल के अंदर आयन का एक्सचेंज हो जाना, समझ गए बात। अगला देखते हैं, Which one of the following is sequence is being used in a combination seed treatment? Seed treatment में कौन सा combination use करते हैं, मतलब कैसे कैसे use करते हैं, जैसे seed treatment के लिए हम कौन कौन सा करते हैं, जैसे पहले थोड़ा देख लिखने में
गड़बड़ हो गया, राइजोबियम लिखा है। पहले हम राइजोबियम डालेंगे, फंगीसाइड डालेंगे, इंसेक्टिसाइड डालेंगे, या पहले हम राइजोबियम डालेंगे उसके बाद इंसेक्टिसाइड डालेंगे उसके बाद फंगीसाइड डालेंगे। ये सीड ट्रीटमेंट की प्रोसेस है कि सबसे पहले हम कौन सी प्रोसेस करेंगे, पढ़ो और पढ़ के बताओ। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि सबसे हम पहले हम फंगीसाइड से ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद फिर हम इंसेक्टिसाइड से ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम राइजोबियम से ट्रीट करके हम सीड को फील्ड में सो कर देंगे, सोन कर देंगे। समझ गए? अगला देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रिप रस्ट ऑफ वीट। स्ट्रिप रस्ट जो वीट का एक स्ट्रिप रस्ट एक डिजीज है, इसका जो मेन सिम्टम होता है, करेक्टर होता है, वो क्या होता है? ऑप्शन ए ब्राउन इलोंगेटेड रेप्चर्ड पस्टुल्स ऑन स्टेम एंड लीफ शीथ। ऑप्शन नंबर बी येलो स्मॉल स्पेरसल स्फेरिकल टू ओव्यूल रेप्चर्ड अर्डो पस्टुल्स इन रो ऑफ लीव्स। ऑप्शन नंबर बी ब्राउन स्फेरिकल टू ओवल रेप्चर्ड यूरडो पस्टुल्स ऑन लीफ। ऑप्शन नंबर डी ब्लैक पस्टुल्स। ये कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही है, येलो स्मॉल स्फेरिकल, यानी कि वाइट येलो येलो कलर का इसमें पस्टुल्स बनता है, स्मॉल कलर का हो, स्मॉल स्मॉल येलो येलो कलर का, और स्फेरिकल शेप में होता है। स्फेरिकल शेप मतलब ऐसे अंडाकार होता है, गोल गोल नहीं होता, स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक, ये पस्टुल्स बनते हैं, ये किसका सिम्टम है? स्ट्रिप रस्ट ऑफ वीट का। ये देखो देखने में, देखो ये पीला पीला कलर का है, पीला कलर का है, और छोटे छोटे देखो पस्टुल्स बन रहे हैं, और ये ओवल शेप के हैं, बिल्कुल गोल नहीं है, देखो ओवल शेप के हैं ना पस्टुल्स, इसी को बोलते हैं स्ट्रिप रस्ट ऑफ वीट। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्रॉप एंड वेराइटी एंड सेलेक्ट द पेयर विच इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन से क्रॉप की वेराइटीज सही से मैच नहीं है? क्रॉप लिखा होगा, उसकी वेराइटी लिखी होगी, कौन सा सही नहीं है? बार्ले की एक वेराइटी है क्लिपर, क्या यह सही है? कॉटन की एक वेराइटी है सुजाता, क्या यह सही है? और काउपी की एक वेराइटी है पूसा फागुनी, क्या ये सही है? या ऑप्शन डी ग्रीन ग्राम की एक वेराइटी है उपास 120। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है, ग्रीन ग्राम की वैरायटी नहीं है उपास 120। उपास 120 किसकी वैरायटी है वो अभी हम आगे बताते हैं। उपास 120 जो वैरायटी है ये अरहर की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? अरहर की, कजनस कजान की वैरायटी है। समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर टिलरिंग स्टेज ऑफ वीट। वीट के टिलरिंग स्टेज के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 10-15 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी ए थोड़ा गड़बड़ लिखता है 16-20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ऑप्शन सी 20-23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ऑप्शन डी 23-25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है 16-20 डिग्री टेम्परेचर, ये आपका राइट आंसर है। ठीक, अगर इतना टेम्परेचर होगा तो टिलरिंग स्टेज के लिए अच्छा होता है वीट में। द एलिमेंट व्हिच डू नॉट इंटर इनटू परमानेंट ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन इन प्लांट्स। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो परमानेंट ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन इन प्लांट में नहीं यूज होता है, वो परमानेंटली इंटर नहीं करता है ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन में प्लांट के? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है ये परमानेंट ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन में यूज नहीं होता है। पोटेशियम का मेन काम क्या है? एनर्जी को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरे जगह पर, प्लांट के अंदर एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम ये करता है। द प्लेटू विथ लिटिल ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ रेट एंड कंटिन्यूइंग एक्युमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट इन द प्लांट कैन बी डिफाइंड एज। इसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से हैं, ऑप्शन नंबर ए सीवियर डिफिशियंसी रेंज इज टॉक्सिक रेंज, ये इज नहीं रहेगा, सीवियर डिफिशियंसी रेंज, टॉक्सिक रेंज, मॉडरेट डिफिशियंसी रेंज, या सफिशियंसी रेंज। इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी है, सफिशियंसी रेंज। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, 107वां क्वेश्चन, द मेजर ऑर्गेनिक सीमेंटिंग एजेंट इन सॉइल एग्रीगेट फॉर्म इज।
सीमेंटिंग एजेंट सॉयल एग्रीगेट में कौन सा होता है, मतलब जो ढेला बनाने के लिए यूज होता है, जब मिट्टी सूख जाती है तो जो बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं मिट्टी के, वो सॉयल के जो बड़े बड़े एग्रीगेट्स बन जाते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, ये आपको बताना है। पहला लिपिड, दूसरा पोटेश, प्रोटीन एंड प्रोटीन से डेरिवेटिव यानी कि प्रोटीन और उसके डेरिवेटिव की वजह से होता है ये, या पॉलीसेक्राइड की वजह से होता है, या ऑर्गेनिक एसिड की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड की वजह से होता है, जो सॉयल के अंदर जो पॉलीसेक्राइड होते हैं उन्हीं की वजह से सॉयल एग्रीगेट बनते हैं यानी कि सॉयल के ढेले बन जाते हैं। फिर अगला है टेट्राजोलियम से, टेट्राजोलियम टेस्ट इज यूज इन डिटरमाइनिंग ऑफ, टेट्राजोलियम जो टेस्ट है इसको क्यों यूज किया जाता है, तो इसको यूज किया जाता है किसके लिए, इनमें से ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो है सीड वायबिलिटी के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक, सीड की जर्मिनेशन कैपेसिटी को देखने के लिए कि ये सीड जर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, ये जल्दी से पता चल जाता है टेट्राजोलियम टेस्ट। अब टेट्राजोलियम टेस्ट वो क्या होता है इसको देख लेना, इसे समझ लेना, हम बताते हैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी। टेट्राजोलियम टेस्ट क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक सीड है, ढेर सारे सीड हैं, तो उन्हीं में से हम कितना सीड ले लेंगे, लगभग 200 प्योर सीड ले लेंगे। फिर इन सीड को हम क्या करेंगे, रात भर पानी में डिप करके रख देंगे जिससे वो सॉक हो जाए, मतलब फूल जाए। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि टेट्राजोलियम का सोल्यूशन आता है, उसी सोल्यूशन में हम क्या करेंगे इसको डाल देंगे, और जब इसको डालते हैं तो इसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। टेट्राजोलियम जब टेस्ट करते हैं तो सीड का कलर चेंज हो जाता है, उसी सीड के कलर को चेंज होने से हम जान जाते हैं कि ये टेट्राजोलियम टेस्ट में सीड वायबल है यानी सीड जर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। जिस सीड का कलर चेंज हो जाएगा, जिसका कलर चेंज हो जाएगा उसको हम बोलेंगे कि ये सीड जर्मिनेट होगा, जिसका कलर नहीं चेंज होगा उसको हम जान जाएंगे कि ये नहीं जर्मिनेट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ट्रू पोटैटो सीड इज रिक्वायर फॉर 1 हेक्टेयर प्लांटिंग, ट्रू पोटैटो सीड की कितनी मात्रा आवश्यक होती है 1 हेक्टेयर पोटैटो प्लांटिंग के लिए। पोटैटो की सीड की बात कर रहा है, पोटैटो की बात नहीं कर रहा, मतलब ट्यूबर की नहीं बात कर रहा, उसके सीड की बात कर रहा है, कितना लगेगा। ऑप्शन ए 100 ग्राम, ऑप्शन बी 200 ग्राम, ऑप्शन सी 300 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 400 ग्राम। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है 100 ग्राम, 100 ग्राम आपके पास अगर आलू का सीड है तो उसी से आप 1 हेक्टेयर की बुआई कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ नहीं होता है, मतलब इसको कहाँ कर सकते हैं हम, कुफरी वैसे जगह पर यानी पहाड़ों पर हम इसकी खेती ऐसे कर सकते हैं सीड के थ्रू। फिर आगे बात करते हैं, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोथ बीन इन इंडिया, मोथ बीन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में कौन है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो ये मोथ बीन होता है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान ये सही है। अब देखो मोथ बीन क्या होता है, मोथ बीन को हम मोथ भी बोलते हैं, ये उर्द जैसा होता है, उर्द और मूंग के जैसा होता है, लेकिन उर्द कैसा होता है, उर्द होता है काला काला, मूंग होता है हरा हरा, और इसका कलर थोड़ा थोड़ा कैसा होता है, इस टाइप का होता है, समझ गए। देखो ये जिस कलर का दिख रहा है हमको, कलर इसका ये नहीं याद आ रहा है किस कलर का होता है, इस टाइप से होता है, मतलब हरा होगा तो क्या होगा वो मूंग होता है, ब्लैक होता है तो वो क्या होता है उर्द होता है, और ये होता है मोथबीन, देखने में ऐसे लगेगा जैसे ये उर्द ही है ये मूंग ही है, लेकिन ये नहीं होता, ये मोथबीन है जिसको राजस्थान सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो 20 क्वेश्चन आपके थे, लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें समझाने वाली थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो आपको, तो वीडियो को लाइक करें, आपके जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।